जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हीरापुर प्रोफेसर कॉलोनी की है, जहां रिटायर्ड विद्युत कर्मी सुनीलेश्वर प्रसाद सिन्हा के बंद आवास को चोरों ने निशाना बनाया और 15,000 नकदी समेत 2,00,000 के जेवरात ले उड़े। पीड़ित परिवार इलाज करवाने वेलोर गया हुआ है। घटना की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा उन्हें दी गई। इसके बाद उनके साले आलोक रंजन सिन्हा आवास पर पहुंचे और जानकारी ली। जानकारी देते हुए बताया कि घर का मुख्य द्वार का ताला टूटा था, अलमीरा का लॉकर भी टूटा हुआ था, दीवार पर लगा टीवी भी गायब है, साथ ही घर में सामान बिखरा था। घटना की सूचना स्थानीय थाना को दे दी गई है। चोरी की सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमको सुबह में मिली, घर वाले तो वेलोर गए हुए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो ताला बंद था। हमको सूचना भेलोर से ही आई और उनको सूचना जो है वो मोहल्ले वाले किसी ने दिया, अगल बगल में जो भी है लोग, कि आपका घर खुला हुआ है। तो वो लोग हमको बताया, मैं तुरंत आया, घर तो खुला हुआ था और सारा ताला वाला सब टूटा हुआ है। अलमारी एक दो तीन अलमारी ना, तीन हो गए ना, तीनों रूम में तीन अलमीरा है और एक बड़ा बक्सा है जो स्टील वाला होता है बड़ा सा, और पलंग के नीचे का जो सामान रहता है वो सारा सब निकाल के फेंक दिया है। अलमीरा का भी जो आपका वो कपड़ा वगैरह है, जो भी एड्रेसेस वगैरह, लगभग 2,00,000 के आसपास के होना चाहिए जेवर वगैरह मिला के। हम उनके शाले हो गए। पुलिस आई थी, पुलिस आके वो स्पॉट वेरिफिकेशन करके गई है। घर है मेरे बनोई का है, सुनीलेश्वर प्रसाद सिन्हा, वो बिजली विभाग में अकाउंट्स ऑफिसर से रिटायर किए हैं। वो साहिबगंज से रिटायर किए हैं, लेकिन उसके पहले वो धनबाद में हीरापुर बिजली ऑफिस में भी थे। गए हुए हैं वेलोर वो अपना ट्रीटमेंट के लिए, उनका कुछ प्रॉब्लम है किडनी से रिलेटेड, उसी घर खाली था। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको।